आप सबको जय मसीह के दोस्तों, एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों आज हम बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बीमारी के लिए हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर पिता से बातचीत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन भी कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आज हम उसी विषय पे आज प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे विनती निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम भेजे आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आशीषित हो सके। तो दोस्तों वीडियो में अब देर करते हुए ना हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर पिता के हुजूरी में हम सब बैठते हैं। ताइए अपने अपने आँखों को बंद करें। आप सब जितने भी भाई बहन इस वीडियो में शामिल हैं और ऑनलाइन पे में आप लोग सब उपस्थित हैं, सब कोई से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस समय हम लोग परमेश्वर के हुजूरी में जाएं। परम पिता परमेश्वर सामर्थ्य पिता के हुजूरी में जाएं, उनसे हम सब अपने सारी परेशानियों को। हाँ मेरे दोस्तों हम नहीं जानते हैं पिता कि आपके बीच में कौन सी बीमारी है, कौन सा दुख है, कौन सा तकलीफ है और कौन सा परेशानी में आप इस समय अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जानता है मेरे दोस्त। आप सब बैठे हुए प्रभु के हुजूरी में आप सब पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और मेरे परमेश्वर पिता उसने विश्वास के अनुसार ही उसको फल देता है और चंगाई देता है। मेरे दोस्तों इस समय हम सब पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उनसे अपने मन से हृदय की बातों को खोल के कहिए मेरे दोस्तों, ताकि वो आपको आजाद करे, आपको छुटकारा दे और रोग से मुक्त करे। तो आइए हम सब मिलकर के प्रभु के चरणों में बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी दुनिया को बनाने वाला, हम सब मनुष्यों को अपने हाथों से रचने वाला मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए और सारे गुनाहों को, अपराधों को, अपने सारे गलतियों को आपके चरणों तले अंगीकार और स्वीकार करते हुए आते हैं पिता। जितने भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस समय प्रेयर में बैठे हुए, प्रार्थना में बैठे हुए पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए, प्यारे दोस्तों के लिए इस समय हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उन सबके गुनाहों और अपराधों को सबको तेरे चरणों तले सौंपते हैं पिता और माफी मांगते, क्षमा मांगते हैं पिता कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से उन्हें माफ कर मेरे परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर उन सबको हृदय और मन को इस समय छू ले मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो प्रभु जी तेरी महिमा कर सके और पिता परमेश्वर वो कमिटमेंट में लिख सके मेरे परमेश्वर पिता कि हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है और मुझे बीमारी से चंगाई दिया है। हाँ मेरे प्रभु तू आश्चर्य कर्म करने वाला, असंभव को संभव करने वाला और हर एक एक प्राणी के जीवन में चमत्कार करने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन पिता, प्यारे दोस्तों पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता, उनको चाहे कोई भी बीमारी हो पिता, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी जो भी बीमारी हो पिता, सुनने की बीमारी पिता परमेश्वर हो या आंख से न दिखने की बीमारी हो पिता, हाँ मेरे परमेश्वर पिता अगर वो बहरा भी है तो यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना में बैठे हुए पिता परमेश्वर हैं, वो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सुनने पाए। अगर कोई अंधे हैं पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते कि यीशु मसीह के नाम से वो देखने पाए। अगर कोई लंगड़े हैं पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना में बैठे हुए पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते कि यीशु मसीह के नाम से वो दौड़ने पाए, चलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अगर किन्हीं के प्रभु जी कैंसर है पिता, चाहे कितनों भी बड़ा रोग क्यों न हो पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है यीशु मसीह, उनके लिए प्रार्थना करते कि यीशु मसीह के नाम से उनका कैंसर ठीक हो जाए। अगर किन्हीं भाई के एड्स है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं कि वो चंगाई पाए। अगर कोई पिता परमेश्वर उनके शरीर के अंदर पिता परमेश्वर गांठें और गिल्टियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं कि वो गांठें और गिल्टियां दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, अगर किन्हीं
भाई को गूंगे हैं और बोल नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि वो बोलने लगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अगर कोई भाई नाना प्रकार के बीमारी उनके अंदर है, जो पिता परमेश्वर तू जानता है मेरे प्रभु जी, जो इस समय प्रार्थना में लीड कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में बैठे हैं मेरे प्रभु यीशु राजा, हम विश्वास करते हैं, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेरे भाइयों को, उन लोगों को पर अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य को लिए मेरे परमेश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा को लिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे पवित्र आत्मा और तेरे सामर्थ्य से पिता वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु, और उनके जीवन में उजियाला आ जाए पिता, उनके जीवन में वो ज्योति चमके पिता परमेश्वर, वो प्रकाश चमकने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी गवाही देने पाए और पिता परमेश्वर वो कमिटमेंट में पिता गवाही देने पाए और कहने पाए कि मुझे यीशु ने छुआ है और चंगाई किया है इस प्रार्थना के द्वारा। हे मेरे प्रभु, तुम महिमा ले इस प्रार्थना से और इस प्रार्थना से तू अद्भुत उनके जीवन में काम कर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उन सारे भाई बहनों को, प्यारे दोस्तों को आपने इस समय छुआ है पिता, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी टर्च करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि हर प्रार्थना को आप उत्तर देते हैं और सुनते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सारे लोग कहें आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको ढेर सारे आशीष दे वीडियो में बने रहने के लिए और अंत तक देखने के लिए। इसी प्रकार से अगला वीडियो में आप सबसे मिलते हैं, सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।